हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मैं छोटा सा मेरा ये इवनिंग रूटीन था, मैंने आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ मैंने पांडा मार्ट से कुछ सामान ऑर्डर किया था ऑनलाइन। इनका सामान काफ़ी अच्छा है, इनकी क्वालिटी भी अच्छी है। ये नहीं है कि एक्सपायर्ड चीज़ें दे देते हैं। पांडा मार्ट की ये चीज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि फूड पांडा जो है, इनका जो रेस्टोरेंट वाला हिसाब है वो थोड़ा इनका थोड़ा डाउन जा रहा है, पर इनका पांडा मार्ट का सामान बहुत अच्छा है। तो ये कुछ इवनिंग की सामान के लिए चीज़ें मंगवाई थी, बिस्किट्स एंड चिप्स वगैरह। घर में रखा होता है, बच्चे आते हैं तो यूज़ कर लेते हैं आराम से, घर में होनी चाहिए ये चीज़ें। तो बस ये मैंने कुछ बिस्किट्स और चिप्स वगैरह मंगवाए थे, तो वही सामान मैं सारा देख रही हूँ। अच्छा, जब भी आप पांडा मार्ट से कुछ भी मंगवाएं तो आप रीचेक कर लें, ताकि आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हो बाद में। चीज़ मंगवा कर यूज़ देख कर यूज़ करेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि अगर हमें इस टाइम पे कोई कंप्लेन करनी हो तो हम वो कर सकते हैं। तो बस ये कुछ सामान था। केचप और मेयोनीज वगैरह भी ख़त्म हो गए थे, तो मैंने केचप और मेयोनीज वगैरह ही मंगा लिए। कुछ सामान, क्योंकि ये चीज़ें रखी होती हैं कैजुअल यूज़ में, तो आती रहती हैं, कभी पास्ते में यूज़ होती हैं, कभी नॉर्मल स्नैक्स के लिए, इवनिंग के ही चीज़ें होती हैं सारी। तो बस मैंने वही सब मंगवा लिया था, और मेरा बटर भी ख़त्म हो गया था तो मैंने वो भी ऑर्डर कर दिया था। मुझे इनका बटर क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लगी, मतलब एक्सपायर नहीं थी, बिल्कुल सेट थी। बहुत सी चीज़ें होती हैं कि बंदा एक्सपायर दे देता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद पर मैंने इवनिंग की चाय वगैरह बनाई, तो चाय निकालने के लिए मैं गई थी किचन में। उसके बाद मेरे दो तीन काम और थे, मैंने वो भी करे। तो बस मैंने यहाँ चाय वगैरह निकाल ली थी। आप लोगों से नहीं बातें करने का मेरा बहुत दिल करता है कि मैं बहुत सारी बातें करूँ, मैं अपनी वीडियो ज़्यादा बनाऊँ, पर टाइम इतना कम होता है कि वीडियो मैं बना ही नहीं पाती हूँ। बट इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली अपनी वीडियो अपलोड करूँ। फिर बस मैंने चाय वगैरह निकालने के बाद, फ्रिज में केक रखा हुआ होता है तो वो ही निकाल लिया था, क्योंकि शाम में कुछ ना कुछ छोटा मोटा खाने में बड़ा मज़ा आता है। आप लोग कोई शौक से खाते होंगे, तो मुझे भी बड़ा शौक है खाने का। तो बस यहाँ केक और चाय वगैरह पी, उसके बाद मैं चली गई थी किचन में। तो मैं बना रही थी डिनर वगैरह, तो सोचा छोटी सी क्लिप ये भी डाल दूँ, इसके अंदर ऐड कर दूँ। तो मैं यहाँ बना रही थी बीफ का कढ़ाई गोश्त, अचारी वाला। तो इंशाल्लाह मैं इसकी रेसिपी ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। इससे पहले मैंने आप लोगों को चिकन अचारी की रेसिपी शेयर की थी, इंशाल्लाह बीफ में भी और मटन दोनों में मैं आपको इंशाल्लाह बहुत जल्दी शेयर करूँगी। तो बस मैं चलती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और नए वाले और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।